नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। ब्यास समारोह पिछले लगभग 30 वर्षों से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाता है। आज बृहस्पति भवन का ये प्रांगण है और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से लोग यहाँ पर संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं और ऐसे ऐसे विद्वान जिनको सुनकर आपके अंदर आती है। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष वाचस्पति मिश्र जी और इस समारोह को करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। सर, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और क्या आगे क्या प्लान है इसको लेकर के? देखिए, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं ये समाज के लिए दीप स्तंभ दिशा मिलती है कि हमारा संस्कृत के प्रति अभ्यास हो, संस्कृत के प्रति जागरूकता हो, हमारे शास्त्रों के प्रति लोगों में आस्था जगे, श्रद्धा जगे। इस तरह के कार्यक्रम इसी के लिए आवश्यक होते हैं। ये व्यास समारोह व्यास जी द्वारा जो प्रणीत अष्टादश पुराण और जो उनके द्वारा सैंक्शन किए हुए जो हमारे चारों वेद हैं उन सबको आधार करके ये व्यास समारोह मनाया जाता है और पिछले 30 साल से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है। ये इस बार 31वां साल है। इस बार श्रीमद् भागवत पुराण पर यहाँ चर्चाएँ हुई और उड़ीसा, बंगाल, उधर मिर्जापुर और देश के अनेक स्थानों से यहाँ पर प्रोफेसरों ने, विद्वानों ने भाग लिया। जयपुर से विद्वान आए। तो इस प्रकार ये जो कार्यक्रम है अपने आप में अद्भुत और एक अद्वितीय कार्यक्रम है जहाँ बिल्कुल भी अन्य भाषा का उपयोग न करके केवल संस्कृत का उपयोग किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे दर्शक श्रोता यहाँ देख रहे हैं वो भी भविष्य में इस कार्यक्रम से जुड़ने का प्रयास करें। और ये कार्यक्रम होता है यम द्वितीया भैया दूज से लेकर के 7 दिन तक लगातार हर साल चलता है। ब्यास समारोह CCS यूनिवर्सिटी में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है जिसमें दूर दूर से विद्वजनों का आगमन होता है। इस बार भी ये कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया जिसमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला के साथ साथ विभिन्न संकायों के अध्यक्ष मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में दर्जनों बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करते हुए देश में संस्कृत भाषा को एक नई ऊंचाई प्रदान करने की मुहिम की शुरुआत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। इस तरह के कार्यक्रमों की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं और अन्य खबरों के लिए आप eradioindia.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।